आज फिर रविवार और हम एक नई कहानी के साथ। देहरादून, देहरादून विश्व में प्रसिद्ध है और प्रसिद्ध है यहाँ का घंटाघर। यहाँ के घंटाघर में 6 घड़ियाँ हैं जो कि एशिया में अनूठा है। इस घंटाघर के बारे में एक और रोचक कहानी है जो बहुत कम लोगों को पता है। उस कहानी के बारे में हम बताएंगे वीडियो के अंत में। वीडियो पूरी देखिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, करोगे ना? वैसे तो देहरादून की बहुत सारी ऐतिहासिक यादें हैं, जिसमें से वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 की कुछ यादें हैं। और इस वीडियो की कहानी में हम आपके साथ जरूर कुछ शेयर करेंगे वर्ल्ड वॉर 2 का। तो देहरादून में एक गांव पौंधा और देहरादून सिटी से 14 किलोमीटर दूर। तो इस गांव में एक व्यक्तित्व चौधरी ब्रिजलाल, उनके बारे में उनकी कहानी आज हम आपको बताने जा रहे हैं। चौधरी ब्रिजलाल जी के पिता बलदेव सिंह, बलदेव सिंह अब से करीब 150 साल पहले हरियाणा करनाल से कुछ भैंसें लेके आए और उन्होंने मसूरी गए। मसूरी से राजपुर आए, राजपुर से पौंधा आए और पौंधा में फिर वो इस जगह पे उन्होंने अपना डेरा डाला। और करीब 130 साल पहले ये सामने जो बिल्डिंग है ये उन्होंने बनवाई। उसके बाद ये अंदर यहाँ पे उन्होंने ये बिल्डिंग बनवाई, क्योंकि चौधरी ब्रिजलाल पौंधा के ज़मींदार थे। लेकिन उससे पहले की कहानी, बलदेव सिंह जी, उनके पिताजी का देहांत तब हो गया था जब चौधरी ब्रिजलाल केवल 10 साल के थे। 10 साल की उम्र के बच्चे के ऊपर सारा भार पड़ा और वो इस गांव के ज़मींदार बने। करीब 3200 बीघा ज़मीन की टेरिटरी, यानी महाल उस समय बोलते थे, महाल को टेरिटरी बोलते हैं, उसके ज़मींदार बने चौधरी ब्रिजलाल जी। इस साइड के स्ट्रक्चर में थोड़ा चेंज हुआ है। ये सामने आप जो देख रहे हो यहाँ पे, ये नहीं था, ये अभी बाद में बना है। यहाँ पे उस ज़माने में लकड़ियाँ रखी जाती थी, क्योंकि खाना जो है वो लकड़ी, चूल्हे में लकड़ी से आग जला के बनता था, तो यहाँ पे लकड़ियों का स्टॉक रखा जाता था। इस पोर्शन में थोड़ा ऑल्ट्रेशन हुआ। ये उस ज़माने में यहाँ पे किचन हुआ करती थी, 2 किचन होती थी। एक बाहर बरामदे के रूप में किचन थी जहाँ मैं खड़ा हूँ, और ये अंदर रूम है, और ये पूरी एक बड़ी किचन हुआ करती थी। यहाँ पे बनता था खाना दिन में और बाहर के किचन में बनता था रात में। इसको किचन के ऊपर एक एरिया था, ये किचन के ऊपर का एरिया है और इसकी सीढ़ियाँ अभी भी मिट्टी की बनी हुई है, और इस एरिया को पांड बोला जाता था। यहाँ पे खाने पीने का सामान, यानी कच्चे अनाज वगैरह, वो स्टोर किए जाते थे उस ज़माने में। ये आज भी इंटैक्ट है, और ऊपर आप देख रहे हैं टीन की छत है, और इसका जो ये फर्श है ये आज भी मिट्टी का बना हुआ है। तो अभी ये पुराने पोर्शन में मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। ये डिज़ाइन अभी तक मौजूद हैं, ये आप देख सकते हो। उस ज़माने में कारीगरी कितनी सुंदर थी और कितनी अच्छी थी। और ये बनावट आप देख रहे हो उस ज़माने की, कितने सुंदर है। और ये उस ज़माने का दरवाज़ा, लकड़ी एकदम सॉलिड है। और अब हम जा रहे हैं इस बिल्डिंग के ऊपर वाले पोर्शन में, बताते हैं इसके बारे में। तो ये अब हम आ गए ऊपर के पोर्शन में, और ये बिल्डिंग भी अभी पुरानी है जो 130 साल पहले बनी थी। ये अभी इधर इसमें रिपेयर वर्क चल रहा है, और इस बिल्डिंग को अभी तक इंटैक्ट रखा गया है। इस पूरी बिल्डिंग के कुछ थोड़े हिस्सों में कुछ परिवर्तन किए गए, लेकिन वो परिवर्तन में बेसिक चीज़ें रखी गई, उसके स्ट्रक्चर को ख़राब ना हो ऐसी कोशिश की गई, ताकि वो रहने लायक रह सके और उसकी लाइफ बड़ी हो। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, पूरे देहरादून डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितनी भी ज़मींदार फैमिली थी उसमें अभी तक शायद कोई भी बिल्डिंग बची नहीं है, पुरानी बिल्डिंग नहीं बची है। और पूरे डिस्ट्रिक्ट देहरादून के अंदर ये अकेली बिल्डिंग है जो अभी तक जीवित है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें हम रहते हैं। और इस बिल्डिंग को उस ज़माने में बंगला बोलते थे,
और आज भी लोग इस बिल्डिंग को बंगले के नाम से जानते हैं। तो अभी हम इस बंगले के उस एरिया में जा रहे हैं जिसको ममटी बोलते हैं। ममटी का इंग्लिश मीनिंग स्टेयरकेस होता है और ये इस बंगले का सबसे ऊंचा हिस्सा होता था उस टाइम में। और इस ममटी के ऊपर चढ़ के चौधरी ब्रजलाल जी सुबह को लेबरर्स को आवाज़ लगाते थे, तो सब लोग दूर तक आवाज़ सुन लेते थे क्योंकि उस समय ना तो नॉइज़ पॉल्यूशन था और कैसा भी पॉल्यूशन यहाँ पे नहीं था, तो दूर दूर तक आवाज़ चली जाती थी। अभी आप यहाँ से चारों तरफ देखो, मसूरी का व्यू दिखता है, उसके अलावा ये बिल्डिंग अभी बनी है कुछ ही सालों पहले, वरना पहले यहाँ पर मिट्टी और फूस के घर थे और पॉपुलेशन भी बहुत नहीं थी, सारा फर्टाइल एरिया था, खेती बाड़ी होती थी। और ये बराबर में पीछे 500-600 मीटर पे नेमी नदी बहती है घर के पीछे, यहाँ से हम पानी लेके आया करते थे बचपन में, और सभी लोग ऐसे ही पानी लेके आते थे अपने कंधों पे, घड़ों में, और उस समय वो मेटल के होते थे, बंटा बोलते थे, उसके अंदर पानी भर के लाते थे, और कुछ लोग घोड़े पे भी पानी लेके आते थे। तो अभी अगर इतने घर वगैरह ना बने होते तो इस जगह से खड़े हो के हम पूरा का पूरा एरिया आपको दिखा सकते थे, इस गांव का नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा क्लियर दिखता था। और आप देख भी रहे हो इधर नॉर्थ में हिमालय और शिवालिक रेंज, बीच में देहरादून वैली, और इस जगह पे खड़े हो के तो ख़ास तौर से यहाँ से तीन तरफ बल्कि 360 डिग्री पे चारों तरफ पहाड़ ही दिख रहे हैं, हिमालय और शिवालिक रेंजेस। तो आप सोचो कि कितना सुंदर रहा होगा ये जगह, बहुत सुंदर, अभी भी सुंदर है। तो अभी हम आपको दिखा के लाते हैं कुछ इस टेरिटरी के, इस महल के एरिया जहाँ जो चौधरी ब्रजलाल का महल था, टेरिटरी थी जहाँ खेती होती थी। तो अभी तो यहाँ से क्लियर नहीं दिख सकता इतना, तो अभी भी काफ़ी कुछ दिख रहा है लेकिन उतना नहीं दिख सकता जितना पहले दिखता था। और इस बिल्डिंग के जिस पोर्शन ममटी के ऊपर हम हैं, ये एरिया बहुत दिन से अनयूज्ड है, ये यहाँ पे घास भी उगाई है और थोड़ा सा टूटा फूटा है। आप देख भी रहे हैं यहाँ पे अभी रिपेयर वर्क चल रहा है। और गांव की टेरिटरी इस नदी तक है, ये नदी जो बह रही है, ये इस नदी का नाम है नेमी नदी। इसके अलावा जो आप पहाड़ देख रहे हैं इस नदी के उस तरफ, वहाँ से नदी के किनारे किनारे और पूरा आखिर तक अगर आप जाएं तो वहाँ पर धान की खेती हुआ करती थी, और ये सारा उसी टेरिटरी के अंदर था जिसकी हम कहानी सुना रहे हैं। और यहाँ पे बासमती धान की खेती होती थी जिसके बारे में मैंने अपने ब्लॉग 3 में भी बताया है, जिसका लिंक स्क्रीन पर है। देहरादून की एक खास बात और है, देहरादून के चारों तरफ चार सिद्ध हैं, लक्ष्मण सिद्ध, माणक सिद्ध, कालू सिद्ध और माड़ू सिद्ध, जिसमें से माड़ू सिद्ध यहाँ पर है। भगवान दत्तात्रेय के 84 शिष्यों में से चार शिष्य लक्ष्मण, कालू, माणक, मांडू। भगवान दत्तात्रेय के ज्ञान का प्रसार और ध्यान करने के लिए 84 में से चार शिष्यों ने केदारखंड क्षेत्र में अपना रास्ता बनाया। माना जाता है ये मंदिर बाबा मांडू का ध्यान स्थल है, जिन्होंने ज्ञान प्राप्त किया और इस स्थान पर अपना शरीर छोड़ दिया। मंदिर के अंदर शिवलिंग है, बाहर नंदी जी की मूर्ति है। शिवलिंग पर दूध और प्रसाद में गुड़ चढ़ाया जाता है। बसंत पंचमी पर यहाँ पर मेला भरता है। जंगल के बीच नदी के किनारे दृश्य बहुत अनुपम है, यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं और विदेशी सैलानी भी आते हैं। पास में ही पिकनिक स्थल भी है और घंटाघर से ये केवल 14 किलोमीटर की दूरी पर है। पहले पौंधा से 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता था, अब पुल और सड़क बनने के कारण गाड़ी भी पहुंचती है। और अभी कोविड के दौरान हमने इस पोर्शन को रेनोवेट कराया और ये दरवाज़ा पुराना रखा था कहीं से निकला हुआ, तो उसको हमने यहाँ लगाया क्योंकि ये एरिया पूरा एक बरामदा था
इसको हमने किचन में कन्वर्ट कर दिया और हमने ऊपर इंटैक्ट रखते हुए ऊपर फॉल्स सीलिंग लगाई है और ये पूरे पोर्शन पे जैसे टिन से ऊपर था और नीचे सीलिंग थी उसको इंटैक्ट रखा। और आप ये आर्च देख रहे हो, ये पुरानी आर्च है, ये दरवाज़ा यहाँ पे होता था अंदर आने के लिए, वही दरवाज़ा हमने बाहर शिफ्ट किया। और इसकी आप दीवार की चौड़ाई आप देख रहे हो उस ज़माने में किस तरह से काम होता था। और ये पोर्शन इसको भी हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा, बस इसमें सिर्फ ये यहाँ से बाहर जाने का रास्ता बना दिया, क्योंकि इधर ऑलरेडी किचन गार्डन था तो उसको हमने इजी पड़े जाने के लिए तो ये रास्ता खोल दिया। और अगर इधर आप देखें, ये भी पुराना दरवाज़ा है और इसमें ये कीलों से जोड़ लगे हुए हैं। पहले इतने ऊंचे दरवाजे होते थे, हमने सिर्फ इतना किया कि इसको कटिंग करा के थोड़ा सा और ऊंचा करा दिया ताकि सर ना फूटे, क्योंकि बार बार सर फूटता था। और ये वही पुरानी आर्च, इसमें कोई चेंजेस नहीं, इस बनावट में कोई चेंज नहीं। आप ये डिज़ाइन देख रहे हो और यहाँ आप देख सकते हो ये हवा के लिए बनाए जाते थे पहले ताकि हवा आए, क्योंकि बिजली पानी होता नहीं था। ये आप आर्च देख सकते हो यहाँ पे, ये सारी आर्च है। और इधर भी ये वाला दरवाज़ा भी आप देख सकते हो, सेम आर्च और पुराना दरवाज़ा। और ऊपर हमने फिर सीलिंग को ही चेंज किया, क्योंकि यहाँ पहले लकड़ी की सीलिंग होती थी, अभी हमने दूसरी सीलिंग इसके ऊपर लगाई है। और ये बाहर ओपन एरिया था, कवर्ड नहीं था। अभी कोविड के दौरान जो रेनोवेशन किया उसी में इसमें हमने क्या किया कि इसको यहाँ पे शीशे लगवा दिए और ऊपर सीलिंग लगा दी और टिन लगाया ऊपर छत में। और जो इसका व्यू पहले ओपन था वो अभी ओपन रहने दिया, उसकी जगह पे हमने शीशे लगा दिए। तो ये वैसे ही है। तो ये जो पोर्शन हमने दिखाया, ये इस बंगले का बैठक का एरिया था, इसको बैठक बोलते थे। और यहाँ पे कोई भी गेस्ट आते थे, चाहे वो सरकारी गेस्ट हो या और कोई गेस्ट हो, तो वो यहाँ पे उनको आराम करने की जगह दी जाती थी। यहाँ इस बैठक के अंदर उनको बैठाया जाता था। यहाँ से जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ यादें हैं, उसमें से एक याद है हेनरिक हायरर की। हेनरिक हायरर एक ऑस्ट्रियन पर्वतारोही थे और एक बुक के ऑथर हैं वो, सेवन ईयर्स इन तिब्बत। 1939 में उन्होंने नानगा पर्वत क्लाइम किया था और फिर कराची से ब्रिटिश फौजों ने उनको एस्केप करके अहमदनगर ले जाया गया, वहाँ से उनको देहरादून लाया गया। देहरादून में दो जगह प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखा जाता था, क्लेमेंट टाउन और प्रेमनगर। तो प्रेमनगर यहाँ से बिल्कुल पास ही है, 5 किलोमीटर की दूरी पे, जिससे ब्रिटिश लोगों का यहाँ पे काफ़ी आना जाना था। तो चौधरी ब्रिजलाल जी के टाइम में वो लोग यहाँ पे काफ़ी आते जाते थे और इस बैठक में उनको आराम करने की जगह दी जाती थी। उसके बाद 1944 में हेनरिक मसूरी और लंडौर के रास्ते से तिब्बत चले गए। वहाँ वो 7 साल दलाई लामा के साथ रहे। उनके 7 साल दलाई लामा के साथ तिब्बत में, इस कहानी का लिंक उनकी किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एक मशहूर फिल्म बनी थी सेवन ईयर्स इन तिब्बत, जिसमें हेनरिक का रोल ब्रैड पिट ने किया था, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और उस समय की जुड़ी हुई कुछ यादें बची हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये ब्रिटिश टाइम की एक डायरी है विलियम विटली के नाम से, सेक्शन 1, और इसमें उनकी हैंडराइटिंग में, यानी दादाजी की हैंडराइटिंग में कुछ लिखा हुआ भी है, कुछ उर्दू में लिखा है, कुछ पुरानी हिंदी में लिखा है जो मैं नहीं पढ़ सकता। और इसके अलावा ये पूरे महाल मतलब टेरिटरी, पूरी टेरिटरी का रिकॉर्ड इस रजिस्टर के अंदर है, जो आज भी सुरक्षित है। ये पेन या पेंसिल से नहीं, एक पोरे वाली कलम होती थी उससे लिखा गया है उस समय में। पोरे के बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ये एक कलम थी और इस कलम ने इतिहास, एहसास, सोच का संग्रह बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अपनाई है और इसका सफ़र बहुत सुहावना है। इससे पहले लोग गुफाओं में रहते थे और लिखने या चित्रकारी बनाने के लिए नुकीले पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसके बाद मिस्र में जुनकस मारिटिमस नामक पौधे से रीड कलम का खोज हुई और एक पेपर जैसी चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखना और चित्रकारी बनाना शुरू किया।
और उसके साथ ही बांस के पौधे के तने का प्रयोग होने लगा कलम बनाने में, जिसको पोरे की कलम कहा जाता है। फिर पक्षियों के पंखों से कलम बनाने का इस्तेमाल हुआ, लेकिन ये बहुत महंगा और मुश्किल था। फिर 19वीं शताब्दी में रोमन्स ने धातु का कलम बनाया और फाउंटेन पेन का आविष्कार हुआ। उसके बाद का सफ़र हम सबको मालूम है, लेकिन हम उस लक्की जनरेशन में हैं जिसने पोरे की कलम से और आज तक के आधुनिक पेन का प्रयोग अपनी लिखावट के लिए किया है। एक ये किताब है, इसको बही खाता बोलते थे और इसका इस्तेमाल सिर्फ दशहरे के दिन होता था, दशमी के दिन, और इसमें पूजा के समय पे तारीख होती थी उस दिन की और इसमें रेट्स लिखे जाते थे मुख्य मुख्य अनाजों के। और ये अभी तक विधिवत चलता आ रहा है, 1932 से शुरू हुआ था ये, 1932 से अभी तक का ये रिकॉर्ड अवेलेबल है। उसके अलावा ये कुछ और किताबें हैं, बहुत सारे दस्तावेज हैं जो उर्दू में लिखे गए हैं उस ज़माने के। तो इस तरह की जो यादें हैं उस टाइम की, वो अभी तक सुरक्षित रखी हुई हैं। फिर 1952 में ज़मींदारी उन्मूलन कानून आया और ज़मींदारी प्रथा ख़त्म हो गई। तो चौधरी बिरजलाल जी लगभग 50-52 साल इस महल के यानी इस एरिया के ज़मींदार रहे। 1952 में ज़मींदारी उन्मूलन हुआ और 3200 बीघा टेरिटरी में से केवल 750 बीघा ज़मीन चौधरी बिरजलाल जी के पास बची, क्योंकि ज़मींदारी उन्मूलन में चली गई, सीलिंग में चली गई, ऐसे बहुत सारी चीज़ों में जाने के बाद 750 बीघा ज़मीन बची। 8 बच्चे थे चौधरी बिरजलाल जी के, 3 लड़कियाँ, 5 लड़के। 5 लड़कों में उन ज़मीनों का डिवीज़न हुआ, सब लोग अपना काम करते रहे। लेकिन ये जो जगह है, ये जो बंगला जिसे बोलते हैं, जो घर बिरजलाल जी ने और उनके पिताजी ने बनाया था, वहाँ पर केवल उन 5 बच्चों में से एक बच्चे ने फैसला किया कि मैं इस धरोहर को संभाल के रखूँगा और जो कुछ भी बचा है ज़मींदारी के बाद उसका ध्यान रखूँगा। और वो इंसान थे नंदकिशोर जी, वो मेरे पिताजी थे। तो मैं लकी हूँ कि हमारे पिताजी ने इस धरोहर को संभाल के रखा और उनके बाद इस पुरानी धरोहर में हम यहाँ पे रह रहे हैं। और मेरे लिए तो ये एक रिच लिविंग है, क्योंकि ये नेचर के बीच में है, पॉल्यूशन भी नहीं है, एकांत में है और बहुत ही सुंदर जगह है। सबसे बड़ी बात है कि ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है जिसमें हम रहते हैं। क्योंकि हमने वीडियो के शुरू में बताया था घंटाघर की कुछ रोचक कहानी। घंटाघर का रिश्ता हमारे परिवार से जुड़ा हुआ है। ये घंटाघर आनंद सिंह जी ने अपने पिता श्री बलबीर सिंह जी की यादगार में बनवाया था। बलबीर सिंह जी प्रसिद्ध न्यायाधीश और रईस थे। बलबीर सिंह जी का जब देहांत हुआ तो उनके बीमा की रकम आनंद सिंह जी उनके पुत्र को मिली, उस रकम से उन्होंने घंटाघर का निर्माण कराया। और नत्थो देवी जो मेरी दादी थी, मेरी दादी को बलबीर सिंह जी ने ही परवरिश की, वो उनकी भतीजी थी, क्योंकि मेरी दादी बचपन में ही अनाथ हो गई थी। उसके अलावा ये जो घंटाघर है ये अपने आप में विशेष है। एशिया के अंदर ऐसा घंटाघर शायद नहीं है जिसमें 6 घड़ियां हैं, इसलिए ये घंटाघर और भी प्रसिद्ध हो जाता है। तो मैंने आपके साथ ये कहानी क्यों शेयर की, आपने देखा 160 साल में परिवर्तन और ख़ास तौर से नए और पुराने घर का ब्लेंड। हमें अपने इतिहास और रूट्स की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि पुरानी गलतियों से हमें सीखने को मिलता है और वर्तमान में सुधार करने का मौका मिलता है, हमारे भविष्य निर्माण में मदद मिलती है। तो मेरा मानना तो यही है कि हमें अपने इतिहास, अपने पूर्वज और अपने रूट्स की जानकारी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि उससे हमारे को अपने वर्तमान को अच्छा रखने में, भविष्य को अच्छा रखने में, भविष्य को बढ़िया करने में और अपने चरित्र को अच्छा करने में बहुत मदद मिलती है। मेरे ख्याल से ये एक बहुत मजबूत तरीका है कि हमें अपने रूट्स और अपने पूर्वजों और अपने इतिहास की जानकारी हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले रविवार किसी नई कहानी के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। करोगे ना?